डोंगरगढ़ में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे मां बम्लेश्वरी दर्शन के लिए। मां बम्लेश्वरी दर्शन करने के पश्चात प्रदेश के मंगल कामना व सुख शांति की कामना की। वहीं पत्रकारों से चर्चा के पश्चात उत्तर प्रदेश में की तयशुदा कार्यक्रम में गए थे, जिसमें मुख्यमंत्री ने आलाकमान नेताओं के आदेश पर दिशा निर्देश के पालन किया हूँ तथा आगे भी आलाकमान के निर्देशों का पालन करता रहूँगा कहा। वहीं पत्रकारों ने करवधा में हुए हिंसा के विषय में पूछा गया तो उसने जवाब में करवधा के हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि दोषियों को बराबर सजा मिलेगी और छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं दर्शन के पश्चात स्थानीय नेता, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष राजनांदगांव नवाज खान, विधायक स्थानीय डोंगरगढ़ भुवनेश्वर बघेल, छन्नी साहू, विधायक खुज्जी विवेक वासनिक व नगरपालिका अध्यक्ष डोंगरगढ़ सुदेश मेश्राम, मां बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति अध्यक्ष नारायण अग्रवाल उपस्थित थे। माता के दरबार में हम लोग तो हमेशा आते रहे हैं, लेकिन एक कोरोना काल के कारण से कुछ बाधित हुआ, श्रद्धालुओं को भी परेशानी हुई, लेकिन फिर से ये प्रारंभ हुआ है और माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है। अब कोरोना भी अब समाप्ति की ओर है, तीसरी लहर ना आए यही माता से प्रार्थना, और छत्तीसगढ़ में सुख शांति समृद्धि हो ये माता से कामना। दाऊ जी, उत्तर प्रदेश में आपकी सक्रियता बढ़ी है तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में क्या आपकी भूमिका? देखिए, पार्टी जहाँ जहाँ जो जिम्मेदारी देती है वो हम लोग करते हैं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में चुनाव होने वाला है, इसलिए पर्यवेक्षक के रूप में मुझे भेजा गया है तो वो जिम्मेदारी। इसके पहले असम भी गए थे, झारखंड भी गए थे, महाराष्ट्र भी गए, तो जहाँ जहाँ पार्टी जिम्मेदारी देती है हम लोग जाते हैं। मुख्यमंत्री आज आए हुए हैं राजनांदगांव, पूर्व मुख्यमंत्री आज आए हुए हैं। अच्छी बात है। करवा मामले को लेकर उन्होंने जुडिशियल जांच की मांग की है और प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में आपकी सरकार पर आरोप लगाए हैं। देखो, नान घोटाले में जो डायरी पकड़ी गई, सीएम मैडम कौन है, रमन सिंह पहले उसका जवाब दे। दूसरी बात यह है कि एक तरफ जहाँ किसानों को रौंदा गया है उत्तर प्रदेश में, कवर्धा में जिसने भी किया था गलत हुआ था और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई, उसको कुछ छोड़ने का सवाल नहीं था, लेकिन बाद में राजनीतिक दल के लोग जिस प्रकार से हथकंडे अपनाए और इस शांत प्रिय प्रदेश को की शांति को भंग करने की जो कोशिश की गई है वो निंदनीय है, और जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। Thank you.